जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। भाई स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हो आप सभी लोग दोस्तों? आज के इस सेशन में हम प्लेसेस इन न्यूज के ऊपर डिस्कशन करेंगे और साथ में ही स्टेट्स इन न्यूज के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ये हमारा अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स का लास्ट सेशन रहेगा। इस सेशन के साथ हमारे अप्रैल मंथ के सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। तो चलिए जी करते हैं सेशन को स्टार्ट। सबसे पहले है ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024। ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 इंडियन डेलीगेशन थे जिसे लीड किया था अर्थ साइंस सेक्रेटरी एम रविचंद्रन ने। एडवोकेटेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजन स्पेसिफिक ओशियन ऑब्जर्वेशन सेंटर ड्यूरिंग द 2024 ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द बार्सिलोना स्पेन। जो ये ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस हुई है ये कहां पे हुई है? बार्सिलोना स्पेन में हुई है। वहां पे इंडियन डेलीगेशन को किसने लीड किया था? अर्थ साइंस सेक्रेटरी थे एम रविचंद्रन, उन्होंने लीड किया था। ही एडवोकेटेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रीजन स्पेसिफिक ओशियन ऑब्जर्वेटरी, कहां पे? बार्सिलोना स्पेन में, जो ये सेशन हुआ। और ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई गई थी स्पेनिश गवर्नमेंट के द्वारा और यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन के द्वारा, कहां पे? बार्सिलोना स्पेन में। तो स्पेन की कैपिटल क्या है या मेरे को भी मंच में बताओ। नेक्स्ट आ जाओ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO 19th एनुअल मीटिंग थी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। सेक्रेटरीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट्स वाज हेल्ड इन अस्ताना कजाकिस्तान। तो भाई कजाकिस्तान में हुई है, अस्ताना में, ठीक है जी। SCO की सेक्रेटरीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ SCO हेल्ड एट अस्ताना कजाकिस्तान। ये 19th मीटिंग थी इनकी। द इंडियन डेलीगेशन वाज लेड बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। अजीत डोवाल के द्वारा जो इंडियन डेलीगेशन था उनको लीड किया गया था, जो हमारे NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सभी आप मेरे को कमेंट्स में बताओगे, क्योंकि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे भी मैंने सेशन लिए हुए हैं, ये कहां पे स्टार्ट हुई थी और ओरिजिनली स्टार्टिंग में इसके कौन से मेंबर थे, बाद में और कौन कौन कंट्रीज एड हुई, इंडिया कब जाके इसकी मेंबर बनी थी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या आप कमेंट्स में बताओगे। नेक्स्ट आ जाओ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। फोर्थ सेशन था इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी का। किसके लिए था? टू डेवलप एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन इंक्लूडिंग इन द मैराइन एनवायरमेंट ऑफ द UN एनवायरमेंट एजेंसी। टुक प्लेस फ्रॉम 23 to 29 अप्रैल एट द शॉ सेंटर इन द ओटावा कैनेडा। तो जो ये फोर्थ सेशन था इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी का, ये कहां पे हुआ है? ये शाह सेंटर ओटावा कनाडा में हुआ है। किसके ऊपर? टू डेवलप एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन। है क्या ये INC इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी? ये एक कमेटी है जो एस्टेब्लिश की गई थी UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, मार्च 2022 में, टू डेवलप एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन। जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए उस पर लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, ये इंटरनेशनली ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी हमारी इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन। किसके द्वारा फॉर्म की गई थी? UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, मई 2022 में एस्टेब्लिश की गई थी। ये उनका फोर्थ सेशन था ओटावा कैनेडा में। ये स्टेट्स इन न्यूज का क्वेश्चन कर रहे हैं हम। जो हमारी प्लेसेस थी प्लेसेस इन न्यूज, वो करंट अफेयर हमने कवर कर लिए हैं। ये एक करंट अफेयर जो रहेगा ये हमारा स्टेट्स इन न्यूज के ऊपर है, इसी के साथ हमारी स्टेट्स इन न्यूज भी कवर हो जाएगी। त्रिपुरा में माता बरी पेरा प्रसाद रिगनई पचहारा टेक्सटाइल एंड रिजा आर द थ्री ट्रेडिशनल प्रोडक्ट फ्रॉम द त्रिपुरा विच गॉट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। उनको भाई जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है त्रिपुरा के। ये प्रोडक्ट्स हैं माताबरी पेरा प्रसाद, रिगनई पचहारा टेक्सटाइल और रिजा। ये थ्री ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। इन एडिशन टू दिस द क्वीन पाइनएप्पल ऑफ त्रिपुरा हैड ऑलरेडी रिसीव्ड अ GI टैग। तो जो क्वीन पाइनएप्पल था त्रिपुरा का, उस पहले से ही GI टैग मिला हुआ है। अब ये तीन और प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग मिला है। नेक्स्ट आ जो मिसलेनियस न्यूज है, इसके ऊपर भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले है पिन कोड 7MH1718। तो भाई ये पिन कोड है नया, ये कहाँ का है? ये सेकंड पोस्ट ऑफिस हमारा ओपन हुआ है अंटार्कटिका में एट भारती रिसर्च स्टेशन में।
जिसका पिन कोड होएगा MH1718। इंडिया के दो रिसर्च बेसिस हैं एंटार्क्टिका में, मैत्री और भारती। अब जो पहले था हमारा एट दक्षिण दक्षिण गंगोत्री में था, बट जो दक्षिण गंगोत्री था वो सबमर्ज हो चुका था 1988 और 89 के बीच में, तब उसको डीकमिशन कर दिया गया था। अब जाके ये हमारा दूसरा पोस्ट ऑफिस होएगा अंटार्कटिका में, भारतीय रिसर्च स्टेशन में। जो पहला ऑफिस है वो कहां पे है, इंडियस मैत्री रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। अब ये दूसरा होएगा हमारा पोस्ट ऑफिस वहां पे, कहां पे, अंटार्कटिका भारतीय रिसर्च स्टेशन में पोस्ट ऑफिस, उसका पिन कोड होएगा MH1718। नेक्स्ट आ जाओ, अकॉर्डिंग टू हेरिटेज ऑप्शंस, 1938 कॉपी ऑफ एक्शन कॉमिक्स नंबर 1, जो ये हमारी फर्स्ट आई थी, इंट्रोड्यूस सुपरमैन टू द वर्ल्ड। तो ये एक्शन कॉमिक्स नंबर 1 थी, ये जो वो कॉमिक थी जिसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था सुपरमैन को, हैज सोल्ड फॉर अ रिकॉर्ड सेटिंग $6 मिलियन। तो ये एक्शन कॉमिक नंबर 1 है जिनके द्वारा सुपरमैन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट आ जाओ, यूनियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट अप डेडिकेटेड लैब्स फॉर टेस्टिंग हाई ग्रेड कॉटन इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, कर्नाटका एज पार्ट ऑफ अ पुश टू एस्टेब्लिश द इंडियन कस्तूरी कॉटन एज द ग्लोबल ब्रांड। इंडियन कस्तूरी कॉटन को ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए डेडिकेटेड लैब्स ओपन की गई है टेस्टिंग के लिए, हाई ग्रेड कॉटन को टेस्ट किया जाएगा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और कर्नाटका में, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, मिस AI ब्यूटी पेजेंट, The World AI Creator Awards has announced the world's first Miss AI Beauty pageant featuring AI-generated model competing in a unique event that blends traditional beauty pageantry with the world of AI creators. तो क्या है भाई? First Miss AI Beauty pageant होएगा, World AI Creator Awards के द्वारा ये announce किया गया है, जिसमें जो entrants होंगे वो entirely AI-generated होंगे with no restrictions on the tool used. और जो जजिंग पैनल होएगा वो भी 2 AI जनरेटेड जजेस होंगे, एंताना लोपेज और एमिली पेलिग्रिनी, याद रखिएगा मिस AI ब्यूटी पेजेंट। नेक्स्ट आ जाओ, अ स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर हैज साउंडेड द अलार्म ऑन द डायर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज, रिवीलिंग दैट द ग्लोबल इकोनॉमी इज पॉइजन टू सफर स्ट्रगलिंग लॉसेस विद डैमेज एस्टिमेटेड एट अ व्हूपिंग $38 ट्रिलियन एनुअली बाय 2050। क्या है ये? क्लाइमेट चेंज के कारण जो हमारे इकोनॉमिकली लॉसेस हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी कितनी नीचे गिर रही है उसकी बात की गई है यहाँ पे। एक स्टडी पब्लिश की गई थी नेचर में, उसमें बताया गया था कि जो हमारे क्लाइमेट चेंजेस के कारण हमारी इकोनॉमी में काफी ज्यादा डायर कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं, बहुत ज्यादा हमारा लॉस हुआ है, जिसका एस्टिमेट $38 ट्रिलियन एनुअली लगाया गया बाय 2050। और जो ये रिसर्च थी इसको लीड किया था साइंटिस्ट के द्वारा एट पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर द क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च। दिस स्टडी पेंट्स अ ब्लिक पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक टोल ऑफ क्लाइमेट चेंज सरपासिंग इवन द कॉस्ट ऑफ मिटिगेशन इफेक्ट एफर्ट्स टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग। भाई यहाँ पे बस क्या बात हुई है, जो हमारे क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण हमारी इकोनॉमी में कितना डैमेज हुआ, कितनी इकोनॉमी हमारी नीचे आई है, ये बात यहाँ पे हुई है। नेक्स्ट आ जाओ, इंडिया इम्पोर्टेड 4.65 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ पल्सेस इन द फिस्कल ईयर 2023 to 2024, अप फ्रॉम 2.53 मिलियन टन इन 2022 to 2023। भाई पहले हमारे पास 2.53 मिलियन टन की इम्पोर्ट थी, अब हमारे पास पल्सिस की जो इम्पोर्ट किए गए हैं कितने हैं, 4.65 मिलियन मेट्रिक टन पल्सिस को इम्पोर्ट किया गया है फिस्कल ईयर 2023 और 2024 के लिए, द हाईएस्ट सिंस 2018-19, ये 18-19 के बाद अब हाईएस्ट है। In value terms, imports of pulses jump 93% to $3.75 billion. तो भाई इंडिया काफी ज्यादा pulses import कर रहा है, 4.65 metric meter tons को import किया गया 2023 और 24 के लिए। Next आ जाओ, in a pioneering initiative aimed at the enhancing voter awareness and engagement, this systematic voters education and electoral participation cell SVEEP sweep, ये काम इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, पार्टनरशिप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के साथ कामरूप इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट ने डेवलप किया है एक इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी वैलेट यूनिट। तो ये जो प्रिंटेड डमी वैलेट यूनिट है ये तैयार की गई है, डेवलप की गई है कामरूप इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट के ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के साथ मिलकर ये तैयार किया है, ठीक है जी। सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल स्वीप। नेक्स्ट आ जाओ,
इन अ सिग्निफिकेंट स्ट्राइड टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नवार्ड अनवील्ड इट्स क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2020-2030। नवार्ड के द्वारा अनवील की गई है क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 को, डॉक्यूमेंट ऑन द इक्वेशन ऑफ द अर्थ डे। अर्थ डे पे ये डॉक्यूमेंट को रिलीज किया गया था। द डॉक्यूमेंट वॉज रिलीज बाय श्री शाजी केवी, ये जो चेयरमैन है नवार्ड। दिस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी एम टू एड्रेस इंडियाज एस्केलेटिंग नीड फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग। तो ये नाबार्ड के द्वारा अनवील की गई है क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 के लिए ऑन द ओकेशन ऑफ अर्थ डे। नेक्स्ट है जो मद्रास हाईकोर्ट डायरेक्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट गाइडलाइंस अगेंस्ट कॉर्पोरल पनिशमेंट इन द स्कूल। द मद्रास हाईकोर्ट हैड इशूड अ डायरेक्टिव टू तमिलनाडु गवर्नमेंट कंपेलिंग इट टू एनफोर्स स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस एम्ड एट इरेडिकेटिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट विद द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द स्टेट। तो भाई कॉर्पोरल जो पनिशमेंट है उसके अगेंस्ट गाइडलाइंस क्या की गई है, इंप्लीमेंट की गई है कि ये जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है, फिजिकल पनिशमेंट है बच्चों को दी जाती, उसके लिए गाइडलाइंस तमिलनाडु गवर्नमेंट को दी गई है मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा कि उसको इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है जी, याद रखिएगा ये किसके द्वारा किया गया है, मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ, इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम इज रेडी टू फ्लाई इनटू स्पेस फॉर द थर्ड टाइम एज द पायलट अबोर्ड Boeing Starliner spacecraft for its the first crew test flight। तो ये Boeing Starliner spacecraft first time के लिए जा रहा है स्पेस में, और इंडियन ओरिजिन के जो सुनीता विलियम है वो रेडी है तीसरे टर्म के लिए स्पेस में फ्लाई करने के लिए। और ये कहां से जाएगा, ये जो Boeing Starliner spacecraft है, ये जो टेस्ट फ्लाइट है, ये ब्लास्ट ऑफ होगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन केप कैनेवेरल फ्लोरिडा से। ठीक है जी, ये प्राइवेट फॉर्म बन जाएगी सेकेंड, इससे पहले एलन मस्क की स्पेस एक्स थी, अब ये सेकंड प्राइवेट फॉर्म आएगी जो एबल है टू प्रोवाइड क्रू ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम द आईएसएस। क्या ये आईएसएस, आपको भी पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, कहां पे, केप कैनेवेरल फ्लोरिडा से। सुनीता विलियम थर्ड क्या हो जाएंगे, तीसरी बारी के लिए स्पेस में ट्रेवल करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, यंग ग्लोबल लीडर कम्युनिटी प्रोग्राम। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज अनाउंस्ड द 20th एडिशन ऑफ इट्स यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी। ये अवार्ड्स दिए गए हैं, कुछ इंडियन भी थे लिस्ट में जिनका नाम इस प्रकार है, भूमि पेडनेकर, अद्वैता नायर, अर्जुन भारतीय, प्रिया अग्रवाल हैबर, शरद विवेक सागर। तो ये अलग अलग उसके लिए दिया गया, आर्ट एंड कल्चर में दिया गया, अलग अलग कैटेगरीज थी जिसमें अवार्ड दिया गया, बिजनेस में दिया गया, सोशल एंटरप्रेन्योर्स को दिया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये अनाउंस किया गया था 20th एडिशन ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी वॉच। नेक्स्ट आ जाओ, सितार्स एंड द तनपुरास फ्रॉम मिराज महाराष्ट्र वर अवार्डेड द जीआई टैग ड्यू टू द टाउन्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड एक्सपर्टाइज इन क्राफ्टिंग दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो भाई ये जो सितार्स और तानपुरीज हैं, ये मिराज से महाराष्ट्र के, उनको जीआई टैग दिया गया, अवार्ड किया गया है। जीआई टैग के ऊपर क्वेश्चन पक्का पूछा जाता ही जाता है। पिछली बारी जीआई टैग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि किस कोई प्रोडक्ट था किसी स्टेट का, उसके ऊपर क्वेश्चन था कि कौन से स्टेट के उस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। तो आप ये जरूर ध्यान में ये रखिएगा कि सितार्स और जो तानपुराज हैं मिराज महाराष्ट्र से, उनको जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। ये दोस्तों ये थे हमारे मिसलेनियस और प्लेसेस इन न्यूज और स्टेट्स इन न्यूज के करंट अफेयर। इसी के साथ हमारे जो अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स हैं वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।